अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मिडवे व्लॉग्स। तो गाइस, शॉर्ट्स व्लॉग है, इतनी लंबी वीडियो नहीं होगी। तो इस व्लॉग का मकसद ये है, जाते जाते अपने गांव का शॉर्ट सा इंट्रो बना लें। और व्लॉग वगैरह तो वैसे काफ़ी बनाने हैं, मैंने कहा चलो जाते जाते अपने गाँव की शॉर्ट से वीडियो बना लें। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो लोग मुझे जानते होंगे तो पता होगा, लेकिन जो लोग मुझे नहीं जानते उनके लिए, मेरे गांव का नाम दुमेल है, जो कि ज़िला अटक में बाकी है। और मेरा गांव अपने गांव में लगने वाली मवेशी मंडी के लिहाज से काफ़ी जाना माना गांव है। तो गाइस, व्लॉग रिकॉर्ड करने के लिए मैं अपने ट्यूबवेल वाले साइड आया हूं। तो नोट किया होगा आपने, सांस वगैरह काफ़ी फूला है और पसीना भी काफ़ी है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा चलो वीडियो तो रिकॉर्ड करनी है, तो मेहनत बहुत कर रहे हैं गाइस, सपोर्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको व्लॉग पसंद आएगा। अपने ट्यूबवेल की तरफ चलते हैं, वो आपको वीडियो में ट्यूबवेल वगैरह दिखाते हैं और अपने खेत वगैरह मुख्तलिफ सिनेमैटिक शॉट वगैरह में दिखाते हैं आपको। गाइस, ये रास्ता जाता है हमारे ट्यूबवेल की तरफ। वीडियो दरअसल मैंने सुबह सुबह बनानी थी, क्योंकि बाद में गर्मी हो जाती है, धूप बहुत सख्त आ जाती है, तो मैं किसी काम की वजह से लेट होगा, तो वीडियो अभी बनानी पड़ी और गर्मी बता रही है मैं ही हूँ। रास्ता थोड़ा ख़राब है। ये जी, हम आ गए अपने ट्यूबवेल की तरफ। ट्यूबवेल आपको अंदर से भी दिखा देते हैं, काफी पुराना कुआं है ये। ये है जी वो, हम तो अपनी जुबान में डिग्गी बोलते हैं इसे, आपको मैंने बताई कि आप अपनी जुबान में क्या बोलते हैं इसे। चेक करें, ये जो सामने पौधे नजर आ रहे हैं, माल्टे के पौधे हैं, काफी सारे लगे हुए हैं, ये नहीं पता कितने लगे हुए हैं। ट्यूबवेल की वीडियो बना ली है और अभी घर चलते हैं, बाइक वगैरह भी नहीं है और गर्मी काफ़ी हो रही है, तो मैंने कहा चलो एंड शॉट लेते हैं और फिर घर चलते हैं। काफ़ी सिनेमैटिक शॉट वगैरह रिकॉर्ड किए हैं, उम्मीद है आपने देखे होंगे, और वीडियो को लाइक लाजमी करना है, आपने बहुत मेहनत की है इस वीडियो पर। गाइस, हम आ गए हैं स्टेशन, हमारे गाँव में एक रेलवे स्टेशन भी है
और मेरा कोई काम था रेलवे स्टेशन में, मैंने कहा चलो व्लॉग ही बना लेते हैं। तो चले रेलवे स्टेशन भी आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं और कोई सिनेमैटिक शॉट वगैरह भी इसमें ऐड करता हूँ तो आप देख लीजिएगा। गाइस ये तो बैकग्राउंड में आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये स्टेशन की मेन बिल्डिंग है। ये जी स्टेशन का टिकट घर है, यहाँ से टिकट वगैरह बाई करते हैं। ये मुख्तलिफ इलाकों के किराए वगैरह लिखे हुए हैं। तो गाइस रेलवे स्टेशन का आपको शॉर्ट सा टूर करा देते हैं। ये जी बेंच वगैरह लगे हैं मुसाफिर जो भी इंतजार करते हैं इंतज़ार के लिए। ये जी मुसाफिरों का वेटिंग एरिया और ये जी वो घंटी, जब टिकट वगैरह खुल जाते हैं तो ये घंटी वगैरह बजाई जाती है ताकि मुसाफिर टिकट वगैरह ले लें। और ये जी स्टेशन का स्टेशन मास्टर ऑफिस, इसमें सारा स्टाफ वगैरह बैठता है, टिकट वगैरह देने वाला और सारा जो ट्रेन से कम्युनिकेशन वगैरह करता है सारा स्टाफ वगैरह इस ऑफिस में बैठता है। और ये जी इन्हें सिग्नल बोला जाता है, ये ट्रेन की जो ट्रेन का जो ट्रैक होता है उसको ये डाइवर्ट वगैरह करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बाकी बस यही था स्टेशन। और ये रही पटड़ियाँ ट्रेन की, ट्रेन आने का भी टाइम होने वाला है इंशाल्लाह, ट्रेन की भी शॉट आपको दिखाएंगे। बैकग्राउंड में आपको जो दरख्त नज़र आ रहा होगा ये तकरीबन 100 साल से ज़्यादा पुराना है, स्टेशन से पहले का दरख्त है। ऐसे एक दो दरख्त और भी हैं जो काफ़ी पुराने हैं लेकिन ये वाले जो दरख्त बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है ये सबसे पुराने हैं। ये गाय जो बैकग्राउंड में आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है। ये जब स्टीम वाले इंजन हुआ करते थे तो उनमें पानी की रिफिलिंग हुआ करती थी, तो पानी की रिफिलिंग इस बिल्डिंग से हुआ करती थी, इसमें पानी की स्टोरेज हुआ करती थी। अभी तो दूसरे डीजल वाले इंजन हैं तो उनमें तो पानी नहीं ज़रूरत होता था। पहले जब पुराने ज़माने में स्टीम वाले इंजन हुआ करते थे तो वो पानी पे चलते थे स्टीम पे, तो उनकी रिफिलिंग इधर से हुआ करती थी। ये वाटर स्टोरेज है इधर, बहुत पुरानी बिल्डिंग है। अभी तो आप इस बिल्डिंग की हालत देख सकते हैं, तकरीबन मुकम्मल तौर पर तो नहीं गिरी लेकिन हालत काफ़ी ख़राब है बिल्डिंग की। ये गाय स्टेशन के एरिए में और भी काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है कदीम, तो ये बिल्डिंग पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है क्या, मुझे तो क्वार्टर वगैरह ही लग रहे हैं, कोई स्टाफ की रहशगा या मुसाफिर की रहशगा वगैरह कुछ लग रही है। काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, ये भी तकरीबन गिरी गई। स्टेशन आते वक्त तो काफ़ी गर्मी थी, मैंने कहा व्लॉग वगैरह नहीं बनेगा, तो अल्लाह के करम से मौसम वगैरह काफ़ी अच्छा हो गया तो व्लॉग वगैरह शूट कर लिया है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को एंजॉय कीजिएगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।